इसकी इंजन में से किटकिट सी आवाज आ रही है। हमने देखा कि सामने डेड बॉडी पड़ी हुई है और पूरा खून खून रोड में पड़ा हुआ है। ये रोड है भाई, ये रोड है चलने का। हाँ तो फिर यहाँ का चल रहे हो? तो यार एक बैड न्यूज है, चल भी आकर गाड़ी फोक टूट गया है यार। सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। कल हम लोग रुक गए थे मोहनिया में, आज है हमारा डे टू। क्योंकि कल सभी लोगों को थकान हो गया था यार, और रोहन भैया का बैग वगैरह भी गिर गया था जो कि अभी तक नहीं मिला है। हम लोग एक पेट्रोल पंप में रुके हुए थे यार, बाकी लोग 50 किलोमीटर पहले वो लोग आएंगे, फिर ज्वाइन करेंगे हम लोगों को। लगेज वगैरह चेक हो रहा था क्या? उत्तम भैया कैसे हैं? बस थोड़ा यार, क्या आपका भाई का यार पेपर वेपर में फोटो आया है, स्क्रीन के सामने आ रहा होगा यार, मजा आ गया। जितने भी मतलब न्यूज वगैरह में आया ना हम लोगों का, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर से देखना यार। बहुत झंझट है यार सामान उतारना वगैरह, तो अभी फ्रेश हुआ हूँ और बस तो शुरू करते हैं अपने सफर। पता नहीं कहाँ जाना है, कब तक पहुँचेंगे, कहाँ कुछ नहीं पता है। शुरू करते हैं जी, आप इंजॉय कीजिए। हेलो, माइक चेक 1 2 3, माइक चेक 1 2 3। जय विश्वकर्मा भगवान, जय माता दी, सब कुछ अच्छे से रखना भगवान। इसकी इंजन में से किटकिट सी आवाज़ आ रही है, उसका मतलब ये है कि इसका इंजन ऑयल का टाइम हो गया है। ओ भाई क्या है, पानी है क्या? खाली बोतल है। तो अभी तो हमें इसका इंजन ऑयल सबसे पहले तो चेंज करना होगा, कहीं रोड में लगाता हूँ और फिर चेंज करता हूँ। कल के वीडियो में मैंने बोल दिया था कि हम लोग यूपी में घुस गए, लेकिन वो चेक पोस्ट था, बॉर्डर नहीं था यार। बहुत बुरी गर्मी है बिहार में भाई साहब, मतलब पूछो मत। हवा ठंडा है लेकिन जहाँ रुको वहाँ पे टप 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 पसीना चूना शुरू हो जा रहा है यार। तो यहाँ पे रुकते हैं, इंजन ऑयल का काम करवा लेते हैं। तो गाइज अभी अभी हम रुके हुए थे मोहनिया में इंजन ऑयल चेंज करने के लिए। यहाँ पे वैक्सीनेशन के कुछ कोर्सेज दिए यहाँ के लोकल्स को। बिहार के लोग काफ़ी समझदार है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे उनकी राय वगैरह जान के। आपको देखना है कि कौन सा कोर्स कैसे दिया हमने, क्या क्या बताया, तो आप इंस्टाग्राम में जाके देख सकते हो, वहाँ मैं पोस्ट कर दे रहा हूँ यार। माता दी का नाम लेके सफर का शुरुआत करते हैं आज का। फिर बारिश मिलने की आसार लग रही है यार। फिर गोप्रो का माइक अडेप्टर अभी रहने दिया हूँ। सफर हमारा शुरू हो गया है, अगला स्टॉप मोस्ट प्रोबेबली बनारस में होगा। इधर का ऐसा हाल है कि एक भी इंसान मास्क में नहीं दिख रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं जहाँ भी हम रुकते हैं, चार पांच आदमी हमें जहाँ भी मिलते हैं उन्हें थोड़ा मोड़ा हम बताते हैं वैक्सीनेशन के एडवांटेज के बारे में, वो लोग भी समझते हैं। अभी जैसे पीछे हमने समझाया था तो वो लोग भी बोले कि ठीक है हम वैक्सीन लेंगे पक्का और आपको फ़ोटो भी भेजेंगे। यहाँ से बनारस होगा करीबन 55 किलोमीटर। GT रोड तो सही था लेकिन डेहरी ओनसून ब्रिज पार करने के बाद थोड़ा क्या, थोड़ा सा ज़्यादा ही ख़राब है, संभल संभल के चलना पड़ रहा है, बीच बीच में दो दो फीट के गड्ढे भी है। यही हाल रहेगा बनारस तक, और बनारस के बाद तो जो हमें अच्छे रोड्स मिलेंगे उसके कहने ही नहीं है। सुबह सुबह का नज़ारा कितना बेहतरीन है यार, देखो सामने ट्रेन जा रहा है, क्या मस्त लग रहा है। यही तो ज़िंदगी है यार, मेरा एक ही कहना है कि अपनी ज़िंदगी जी, जो मन करता है वो करो यार। मेरा जो गला बैठा है पता नहीं कब ठीक होगा। इधर देखो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। कल रात में फिर 2 घंटे का ही नींद लिया हूँ। क्या हुआ कि 2 बजे तो हम पहुँच गए थे ढाबा पे, डाटा वगैरह कॉपी किया, 3 साढ़े 3 बज गए, उसके बाद सोया, 5:30 बजे के आसपास उठ गया। तो 2-2 घंटे के नींद में ज़िंदगी अभी चल रही है फिलहाल। तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है इरिटेटिंग टाइप का, फ्रस्ट्रेशन वगैरह आदत पड़ गया है मुझे। पिछले 6-7 दिनों से मैं यही कर रहा हूँ, अगले 20-25 दिन भी यही करने पड़ेंगे। इन बड़ी बड़ी ट्रकों को देख के एक चीज़ याद आया, कल की एक घटना मैं आप लोगों से शेयर नहीं किया। रात में मैं बहुत डरा हुआ था और मैंने सोचा कि शेयर करना चाहिए वीडियो में या नहीं। यार आज बता दे रहा हूँ, मैं कोई भी बात अपने दिल में नहीं रख पाता हूँ ज़्यादा दिनों तक। कल हुआ क्या कि हम लोग का मोहनिया में रुकने का एक बड़ा कारण ये भी है यार, कल हम ऐसे ही रोड में आ रहे थे रात में, अचानक क्या हुआ कि हमने देखा कि सामने डेड बॉडी पड़ी हुई है और पूरा खून खून रोड में पड़ा हुआ है। हम देख के यार डर गए, मतलब कि मेरा जो हार्ट बीट है ना वो इतना हाई हो गया, एकदम मैं अनकॉन्शियस फील करने लगा। जस्ट कोई ट्रक उसे हिट किया था उस इंसान को, बेचारे की मौत हो गई यार। मैं
रात भर वो सोचते सोचते सो नहीं पाया हूँ यार, मैं क्या बोलूँ, इतना बुरा लगा ना मुझे। अभी भी चलते हो रोड पे तो एकदम सेफली चलो मेरे भाई, एक जिंदगी है, बहुत महत्वपूर्ण है यार ये जिंदगी। बहुत डर गया मैं कल ये देख के, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बॉर्डर है जी, उत्तर प्रदेश कर विभाग, सुस्वागतम। तो दोस्तों हम एंटर कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में, अब हम लोग पहुंचेंगे बनारस। तो उत्तर प्रदेश के बड़े भाइयों बहनों को और अंकल आंटी को मेरा नमस्कार। कितने लोग उत्तर प्रदेश में कहां कहां से वीडियो देख रहे हैं एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा यार, हमें बहुत खुशी होगी। उत्तर प्रदेश की सड़कें देखो यार कितनी बेहतरीन है। अबे चले जा रहे रोडवा खत्म ही नहीं हो रहा यार, कब गंगा मैया दर्शन देंगी। फाइनली स्वागत है आप सभी लोगों का विश्व के सबसे पवित्र नगरी, द प्योरेस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, बनारस। क्या बात है यार, दिल को सुकून मिल गया गंगा मैया को देख के, गंगा मैया को प्रणाम कर लिया जाए। ये रोड है भाई, ये रोड है चलने का, हाँ तो फिर यहाँ का है चल रहे हो। ऐसे ऐसे इंसान मिलते हैं यार, देखो सबसे पहले तो गंगा मैया को नमन करते हैं, जय गंगे मैया, आपकी दर्शन के लिए तड़पते हैं हम लोग। और देखो यार आज दर्शन हो गया, दर्शन करो आप लोग। और यार उधर देखो पूरा बनारस सिटी दिख रहा है, क्या बेहतरीन नज़ारा है यार, मज़ा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया देख के। हाँ 80 घाट दिखता है ना वर्थ। बनारस की बात ही कुछ अलग है यार। और वैसे आप लोगों को बता दूं, मेरा जो कुल मेन गांव हुआ असली, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, बनारस ही है। एक और टोल प्लाजा आया है, बनारस की कचौड़ी और पान ढूंढ रहा हूँ, जहाँ मिलेगी वहीं खाना है मेरे को। कभी आऊँगा 10-15 दिन बनारस घूमने यार, बड़ा मन है, देखो कब बनता है ऐसा माहौल। यहाँ पे रुके हुए थे यार बनारस के 5 किलोमीटर आगे, देखे कि भैया लोगों का गाड़ी लगा हुआ है, पूछते हैं क्या हाल है उन लोगों का। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? हम लोग भी मतलब 2 घंटा जैसा नहीं सो पाए, मतलब कैसे गिर गया सामान उनका? उधर रास्ता खराब था ना। हाँ पता नहीं चला, खाना गिरा, मेरा बैग गिरा। हाँ अरे आलू पराठा और पनीर पराठा हो गया, बस अब गया था खाना सीधा प्रयागराज के लिए। अब प्रयागराज के लिए लस्सी पियेंगे और फिर वहाँ से भी निकल देंगे कानपुर। ऐसा सीन चला तो शाम तक दिल्ली, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। अभी निकल रहे हैं प्रयागराज डायरेक्ट, सबसे पहले यार फ्यूल अप करवाना है, पेट्रोल पूरा ख़त्म हो गया। 94.91। एक बिल दे देना भैया। प्रयागराज है 110 किलोमीटर, इसे तो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि नॉन स्टॉप खींचूँ। यार इतना बेहतरीन हाईवे है ना, जब हम लोग पिछले साल आए थे तो ये हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन था। सो गाइस अभी अभी हम पे रुके हुए थे यार, पूरा गला बैठ गया यार मेरा, ठंडा पानी पी चुके। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रयागराज और कानपुर, तो हमें जाना है तो कानपुर है, लेकिन ये वाला जो हाईवे है ये लंबा पड़ता है थोड़ा, तो हमें वाये प्रयागराज कानपुर जाना होगा। कॉल कर रहे हैं बाकी लोग, बहुत पीछे हैं, कितना टाइम लगेगा आने में ये सब पूछते हैं जी। बहुत तगड़ा मज़ा आ रहा है भाई। तो यहाँ से अगर सीधा जाओगे तो कानपुर, इधर से प्रयागराज निकल जाएंगे संगम नगरी। और मौसम भी सुहाना है, ज़्यादा धूप नहीं है तो गर्मी कम लग रहा है, और हवाएं ठंडी ठंडी चल रही है। यूपी की टेम्पो जो है वो बड़ा गजब की है यार। संगम यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर बचा हुआ है, फ़ोन किए थे
बहुत गर्मी भी लग रहा है, इतना लोड है ना गाड़ी में, बैलेंस करने में मुश्किल हो जा रहा है। ओह शिट, बहुत बड़ा है भाई, बच गया अभी मैं। और इधर जो है ना, इधर पूरा खुला हुआ है कि हमारे जैसा लॉकडाउन वगैरह कुछ नहीं है भाई। एक तो रेड सिग्नल, ऊपर से इतनी गर्मी। शायद शास्त्री ब्रिज है या संगम ब्रिज, कुछ भी बोल सकते। मैं 3 साल पहले आया था, पूरा सूख चुका है। ऐसा क्यों सूख गया बताना मेरे को यार, अभी तो बारिश का टाइम है। जब मैं आया था तो इधर इधर पूरा पानी भरा हुआ था यार। गंगा यमुना सरस्वती का मेल को संगम कहते हैं। देवी ब्रिज बहुत लंबा है यार, और बगल में रेलवे ब्रिज है। मैं जब आया था तब कुंभ मेला था, पूरा भरा हुआ था यार पानी। और वो मंदिर भी मैं गया था, अलाहाबाद फोर्ट गया था, रीवा, मिर्ज़ापुर। तो अभी चलते यार संगम, मन कर रहा है जाने का, जरा पास से देखने का। प्रवेश कर रहे हैं संगम। गंगा यमुना सरस्वती यहाँ पे मिलती है, तीनों रिवर। आयरन के शीट के रोड बनाए हुए, मतलब कीचड़ से बचने के लिए। यहाँ का गंगा आरती भी बहुत मशहूर है। संगम का जल छिड़कने के बाद अब संगम को अलविदा कहते हैं। और ये यमुना ब्रिज है, क्या बेहतरीन ब्रिज है। बहुत ऊंचाई है यार, बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है। और अभी जाना है अपने को कानपुर की तरफ। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार। ये रोड प्रयागराज के अंदर अंदर से निकालेगा। एक बार मैं आया हूँ, फतेहपुर 112, कानपुर 195। तो दोस्तों अभी हम रुके हुए थे यार एक ढाबा में। यहाँ से फतेहपुर है 70 किलोमीटर। एकदम हालत हमारा ख़राब हो गया जी। कौन सा खाना उत्तम भैया? खाना मिक्स वेज, बहुत ही लजीज है, और लड़का मंगाया हमने, बहुत शानदार टेस्ट है। हालत पूरा ख़राब है, मतलब कि हाथ वाथ अगर आपको दिखाऊँ ना तो देखो, रेनकोट पहन के पूरा जो है इसका शेप बिगड़ गया है। पैर अभी जूता वूता सारे गियर्स वगैरह खोला हूँ, तो यहाँ पर आधा एक घंटा आराम करूँगा फिर निकलूँगा कानपुर। तो हाल कुछ ऐसा है, गला से आवाज़ एकदम नहीं निकल रहा है यार। देखते हैं आधा घंटा या एक घंटा यहाँ पे लेटेंगे। सबसे ज़्यादा पता है क्या चीज़ थकान देती है? ये ट्रैफिक, शहर की ट्रैफिक, प्रयागराज का ट्रैफिक में हमारे साथ हो। तो दोस्तों यार एक बैड न्यूज़, कौशल भैया का गाड़ी जो है स्पोक टूट गया है यार। उसके चलते क्या हुआ कि पूरा गाड़ी हिलने लगा, लोड नहीं ले पा रहा है। अब वो लोग यहाँ से 50 किलोमीटर पहले प्रयागराज के आसपास वो लोग वहाँ रुक जाएंगे, और हम लोग यहाँ तो रुक नहीं सकते। तो बाकी लोग बड़े हैं कानपुर, तो हम लोग आज चलेंगे कानपुर। और आज का जो स्टे होगा वो होगा कानपुर में, जो कानपुर यहाँ से करीबन 180 किलोमीटर है। 4 घंटे का रास्ता है जी। और अभी टाइम हो गया है, 7 बज रहा है, लेकिन देखो यूपी में पूरा एकदम रोशनी है। मतलब बताओ यार कल से क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहला कांड हुआ यार, रोन भैया का बैग गिर गया, कुंदन का सुबह कैरियर टूट गया, फिर अब भैया का स्पोक टूट गया। यार नहीं होना चाहिए थे ये सब। प्लान में हम लोगों का डिले हो सकता है, जिसके कारण दिक्कतें भी आ सकती है। ये जो रोड है ना, इसमें चलने में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि देखो यार कहीं रेडियम्स भी नहीं लगे हुए, बीच बीच में गड्ढे भी, कहीं भी डिवाइडर खोला हुआ है, कोई भी गाड़ी घुस जाता है। करीबन 30-40 किलोमीटर अभी तक हमने कवर किया होगा। रोड की जो कंडीशन है ना, वो एकदम एवरेज है। बीच बीच में डाइवर्जन आते रहता है, सिर्फ व्हाइट पाउडर उड़ाया जा रहा है ट्रकों के द्वारा। मतलब इधर के लोग यार बहुत रिस्क लेते हैं, डबल हेलमेट तो पहनते नहीं है। कितना रिस्क है यार, ये बैग रख के जा रहा है, बहुत रिस्की है। यहाँ से कानपुर करीबन 75 किलोमीटर है। नींद बड़ा ज़ोर का आ रहा है। और खुशखबरी ये है कि भैया की बुलेट भी बन गई है, तो वो लोग भी सुबह सुबह निकल जाएंगे। पिछले बार जब मैं कानपुर आया था ना, तो यही सेम हाल था यार। क्या हुआ था, फैक्ट्रीज यहाँ पे बहुत है, और फैक्ट्रीज की जो महक होती है ना, अभी वैसे ही फैक्ट्री महक मैं पहचान गया कि हाँ कानपुर पहुँचने वाला हूँ। बहुत सारी फैक्ट्रीज है यार, और पूरा कानपुर महकते रहता है। ऐसा क्यों यार, कानपुर पेड़े के लिए फेमस है क्या? पेड़ा, मैं 20-25 किलोमीटर से पेड़ा का बहुत सारा दुकान देख रहा हूँ। ये लोग पहुँचे हुए हैं लोकेशन। हेलो कानपुर वाले भाइयों बहनों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार प्रणाम। अभी मैं प्योर कानपुर पहुँचा हूँ, 0 किलोमीटर आ रहा है कानपुर, और बहुत मतलब सुंदर लग रहा है आपका शहर यार। अरे भाई, अरे भाई, पीछे उतरा हूँ अभी, इधर कहीं पे आप उन लोग होटल ले लेंगे। क्या लाइटिंग की हुई है। तो गाइस सबसे पहले तो यार आप टाइम देख लो,
करीबन 2 बजने वाला है। हमने बहुत होटल खोजा, हमें कहीं नहीं मिला। हम रुके हुए थे पुलिस के पास कि हमें होटल चाहिए, होटल नहीं मिल रहा है, ऐसा ऐसा हम लोग आए हैं। वो लोग अपना बाइक निकाल के खुद से कॉल करके होटल वाले को, मतलब एक रूम था ऐसा, रूम वाले को कॉल किए और आए खुद से यहाँ पे, छोड़े सारा कुछ, पूछे सब कुछ, बताए। मतलब यार अ बिग सैल्यूट टू कानपुर पुलिस। बस यार पहुँच गया हूँ, नहा लिया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ और कुछ कपड़े सूखने के लिए डाल दिया हूँ। तो बस यार अब एकदम बोलने की हिम्मत नहीं है, अब सोना है एकदम तगड़ा वाला। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या करना है आप लोगों को पता है, एक लाइक एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अब बोलने की भी हिम्मत नहीं है। तो बंद करते वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।